बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जिस जिसके घर में परेशानियाँ, अल्लाह उनके परेशानियों को दूर करे। जिस जिसके घर में नौजवान बच्चियाँ अनभाई बैठी हुई है, अल्लाह उनकी शादियाँ अता फरमाए। जो नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, अल्लाह उन्हें रोजगार से लगा दे। अल्लाह बीमारों को शफा दे, कमजोरों को कुव्वत दे, रूठे हुओं को मना दे, बिछड़े हुओं को मिला दे। अल्लाह मेरी इस दुआ को कबूल करे। आज मैं बनाने वाली हूँ प्लम केक, जिसके लिए मैंने यहाँ पे माजा का बॉटल ले लिया है। एक माजा, इसको पूरा नहीं आधा डालेंगे। यहाँ पे ले लिया हूँ मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, इसमें डाल लेंगे भिगने। और यहाँ पे टूटी फ्रूटी ले ली मैं रेड कलर की, ये भी थोड़ी डाल लेंगे इसमें। यहाँ ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी ले ली हूँ, इसे भी डाल लेंगे। और यहाँ पे ले ली हूँ किशमिश, ये काली किशमिश है, इसको भी डाल लेंगे। पे थोड़ी ये वाइट किशमिश डाल दे रही मैं इसमें। अब इसको एक घंटे तक भिगा के रख देंगे अपन। अच्छी तरह से ओपन नीचे कर लेंगे इसको। कम से कम अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर तक भी रख सकते हैं इसको। असल देखें तो ये रम में भिगे जाते, मैं यहाँ पे जो है सो माजा में भिगा ली हूँ। अब इसको अपन एक घंटा ढाक के रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक कप जो है सो कुछ कम शक्कर ले ली हूँ। इसको कैरामेल कर लेंगे अपन, और इसको स्लो फ्लेम पे करेंगे। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएंगी। यहाँ पे इसको जो है सो ये पिघल गई शक्कर, और जो है सो इसको डार्क करेंगे, डार्क कलर आ जाना। ये तो पूरी हो गई, अब इसको थोड़ा सा डार्क कलर कर लेंगे। ये हो गई, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें। जितना आप इसको डार्क करेंगे उतना। यहाँ पे मैं फ्लेम को बंद कर दी, अब इसको रख देंगे साइड में। मैंने यहाँ पे आधे कप पानी ले ली थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा पानी इसमें डाल दिया। यहाँ पे ले ली हूँ मैं एक कप मैदा ले ली। मैदे को अच्छे तरीके से छान लेंगे, पूरा डाल लेंगे। यहाँ पे मिल्क पाउडर ले ले रही हूँ मैं, इससे टेस्ट अच्छा आता। ये 2 चम्मच ले रही मैं मिल्क पाउडर, इसको भी अच्छी तरीके से छान लेंगे। यहाँ पे ले ली हूँ मैं कोको पाउडर 2 चम्मच, इसको भी अच्छी तरह से छान लेंगे। इसे चमचे से ऐसा कर लेंगे। यहाँ पे 1 कप तेल ले ली मैं, आप चाहे तो इसमें मैं 1 कप को थोड़ा कम डाली, इसको रख लेंगे। और यहाँ पे डाल ले रही हूँ 1 कटोरा दूध, थोड़ा कम करके देख के बाद में डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे अपन। एसेंस डालना है इसमें, ये है वनीला एसेंस है ये। यहाँ पे मैं 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल रही हूँ। यहाँ चाकू चिप्स के जगह मैं बटर स्कॉच चिप्स डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे जो मैं फ्रूट भिगा के रखी थी ये पूरे डाल लेंगे इसमें, पानी के साथ ही डालेंगे कुछ। और इसमें यह जो शक्कर कैरामेल करके रखी थी इसको भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पूरा एक साथ नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच कॉफी पाउडर भी ले लिया है, इससे कलर भी अच्छा आता और टेस्ट में भी अच्छा होता है। यहाँ पे थोड़ा बचा हुआ है ये शक्कर का, ये थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको मिला लिया है। अब इसमें डाल लेंगे, ये है मीठा सोडा, इसको 1/2 चम्मच इतना छन्नी करके डाल लेंगे इसको। और यहाँ पे है बेकिंग सोडा, इसको भी छन्नी करके डाल लेंगे।
यहाँ बेकिंग सोडा एक चम्मच डाली मैं, इसको भी बेकिंग सोडा और जो सो ये मीठा सोडा दो मिला ली मैं इसको। अब इसको अच्छी तरह से मिला के जब का जब इसको आप अपन रख देंगे ओवन में 180 डिग्री पे, यानी कि 180 डिग्री पे रख लेंगे इसको। और जो है सो घंटे के हिसाब से देखेंगे तो आप 25 से 30 मिनट रख लेंगे इसको। मैं बताती हूँ आपको, ओवन को मैंने प्री हीटेड कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पे एक ट्रे ले लिया है, ट्रे ले ली हूँ, इसमें डाल लेंगे आप इसको। उस तरह से पूरा डाल लेंगे इसमें, इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे, क्यों बताते इसमें एयर बॉल रहते हैं वो निकल जाते हैं। यहाँ पे 180 डिग्री पे 5 मिनट मैंने प्री हीट रख ली हूँ। अब इसमें अब अपन रख देंगे निकाल। यहाँ पे मैंने 10 मिनट पर 180 डिग्री पे रख लिया है। यहाँ पे देखिए आप अंदर देख सकते हैं मैंने रख लिया है। अब इसको 10 मिनट के बाद देखेंगे, चेक करेंगे, एक टूथ पिक लेके इसको चेक कर लेंगे। मैंने यहाँ पे टाइमिंग बढ़ा दी है, 30 मिनट कर दी हूँ। यहाँ पे अब सिर्फ 2 मिनट बाकी है केक तैयार होने में। अब ये देखिए पूरा तैयार हो गया है। इसको अभी 2 मिनट रखेंगे, उसके बाद इसको खोल के निकाल लेंगे। मेरे पास OTG है जिसको मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीटेड कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको 150 पे रख लिया है। अब देखिए ये पूरा रेडी हो गया, अब इसको निकालेंगे। निकाल के ठंडा हुए बाद में बताती मैं आपको। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से हो गया है। मैंने आप लोग क्या करना है, इसको एक टूथपिक लेके इसको चेक कर लेना है। मैंने इसको पलटा लिया है, अब इसको आहिस्ता इसका पेपर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए अच्छा स्पंजी और बहुत नरम सॉफ्ट हो गया है। अब इसको अपन कट कर लेंगे। आप एक टूथपिक लेके इसको देख लेना, अगर नहीं है, अगर ये कच्चा है तो आप जो है इसको चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई रेसिपी लेके मिलूंगी इंशाल्लाह अज़्ज़ेवज़ल। आप चाहे तो इसके ऊपर से शुगर पाउडर भी डाल ले सकते हैं, और जो सब मक्सियात है कुछ भी अगर डालना चाह रहे तो आप डाल ले सकते हैं। यहाँ पे आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई रेसिपी लेके मिलूंगी इंशाल्लाह अज़्ज़ेवज़ल। अल्लाह हाफिज़।